welcome back, viewers, to this episode, the next episode after the inaugural of the Enfra show. And today we are going to discuss the issues of power generation. हमने इससे पहले बात की आपसे देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के बारे में. हमने ये कहा अपने पिछले एपिसोड में जहां हमारे दो एमिनेंट गेस्ट थे जो आज भी हैं हमारे साथ में. लेकिन आज एक नए हस्ती जुड़ चुके हैं हमारे साथ में. तो मैं पहले ये इंट्रोड्यूस करूं, मेरा नाम प्रोफेसर अय्यर, मैं एडिटर इन चीफ एंड पब्लिशर एनर्शिया एवं प्रेसिडेंट एनर्शिया फाउंडेशन एवं प्रेसिडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन आपके साथ एनफ्रा शो में. ये मेरा शो है, लेकिन ये मेरा शो नहीं है, ये आपका शो है, ये इनका शो है, ये देश का शो है. हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव. नमस्कार जी और वेलकम टू यू सर ऑन दिस शो. थैंक यू. राजीव कुमार श्रीवास्तव जी के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम होगा. इन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का कार्य किया है वो मेरे ख्याल से देश में बहुत कम लोग कह सकते हैं कि इतना उन्होंने ऊर्जा संबंधित कार्य किया है. ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे BHEL RE डिवीजन में, जहां इन्होंने काफ़ी काम किया ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में. इन्होंने बहुत काम किया रिन्यूएबल एनर्जी में. इन्होंने देश का सबसे बड़ा सोलर थर्मल का ज्वाइंट वेंचर किया एबनगोवा के साथ, जब BHEL का था वो इनका सबसे बड़ा काम था. और उसके अलावा आज के दिन वो उजस एनर्जी में डायरेक्टर हैं, उजस एनर्जी लिमिटेड. एंड ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजीव कुमार श्रीवास्तव जी आज कई बैंक्स को ऊर्जा क्षेत्र में एडवाइस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में. और इनका जो फेवरेट एरिया है वो रिन्यूएबल एनर्जी रहा है, बल्कि सारा ऊर्जा रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्पेशली ये खड़े हैं. सोलर के ये बहुत बड़े नुमाइंदगी करते हैं. वेलकम राजीव जी, आपके बारे में बताया और दर्शकों को अच्छा लगेगा कि हमारे साथ आज आप जुड़े हैं. ये प्रोग्राम हमने पिछले एपिसोड में हमने सारी बातें करी कि देश किस तरह से ऊर्जा अर्थव्यवस्था में तितर बितर रहा है. ये केवल हमारे लोगों के कारण नहीं, लोग तो बहुत अच्छे हैं, लोग सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसमें कम पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है. लेकिन इसका रास्ता क्या है, आज हम बात करेंगे ऊर्जा उत्पादन के बारे में. इस एपिसोड में हम उसी से इस एपिसोड में हम इस बात से सीमित रहेंगे. तो मेरा पहला प्रश्न आपको, यू नो, ये जो हमारा जो 240 गीगावाट की बात करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट का है डेटा, वो कहता है देश के पास 240 गीगावाट है. परंतु उसके बिल्कुल इनके डेटा कैसे अलग हो जाते हैं, जैसे मिनिस्टर पावर बोलती है और लिखा है उन्होंने पूरा वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है 228 गीगावाट देश में. तो ये इस तरह का डिफरेंस आता है. परंतु ये दोनों एक बात कह रहे हैं कि हमारे देश में 58% से 60% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले से होता है. तो मैं इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा. पहले आई विल लाइक यू टू फर्स्ट थ्रो द लाइट ऑन दिस इश्यू सर. कोल बेस जनरेशन करने का मतलब ये है कि एक तो इट्स हाईली पोल्यूटिंग, तो हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. इसके अलावा जो ग्रिड की पीक पावर अवेलेबिलिटी और उसका जो मैनेजमेंट है, दैट इज मेनली डन बाय मीटिंग द पीक डिमांड्स थ्रू हाइड्रो एंड गैस. तो ये भी एक कारण हो जाता है कि इनफ रिन्यूएबल्स नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसको स्टेबलाइज करने की क्षमता कोल में, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, इस वजह से वेरियस हैंडीकैप्स आर क्रीपिंग इनटू आवर सिस्टम. पर सर कुछ लोगों का देखिए, अब ये तो हम समानांतर रूप से देख रहे हैं कि जब हम ये बात कर रहे हैं, गरीब देश है काफी, और ऊर्जा संबंधित अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी आज भी माइनस सोलर को जिसको हम कहेंगे बड़े क्विकली नीचे आया. बाकी जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो अभी भी बड़े कॉस्टली हैं, क्योंकि समझिए कि आज हम सोलर का 6.5-7 रुपये पर यूनिट उत्पादन कर सकते हैं. हाइड्रो भी तकरीबन 5-6 रुपये के अंदर आएगा, उससे कम नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है. ऐसे संबंध में ऐसा लगता है कि कोयला से उत्पादन हुआ बिजली जो है वो ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल. और ये एक और बात आ रही है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 299 बिलियन टन कोल भारत के पास नीचे पड़ा हुआ है, जिस स्रोत को हमने ढूंढ लिया है. इसमें से तकरीबन 125 बिलियन टन जो है ये हम कल निकाल सकते हैं या परसों निकाल सकते थे, मतलब हम इसका उत्पादन कर सकते हैं. उत्पादन कितना करता है देश, केवल 640 मिलियन टन. ख्याल रखिएगा, मैंने आपको बताया कि देश 299 बिलियन टन कोल का उत्पादन कर सकता है, उसमें से 125 बिलियन टन तो अभी हम बना सकते हैं, लेकिन हम निकाल कितना रहे हैं, 640 मिलियन टन. तो शायद आपको ऐसा नहीं लगता
कि जो कोयला हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमारा खुद का सूत्र है, उसको हम क्लीन कोल वाली बात कह रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंट है उसको वापरें, बल्कि हम बोल रहे हैं कोयला हम उत्पादन नहीं करना चाहते और कोयले से हम बिजली नहीं बनाए, हम पोल्यूशन की बातें कर रहे हैं। क्या ये गरीब देश पोल्यूशन की बात कर सकता है? इससे पहले हमने बताया अमेरिकन सबसे ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, 15,000 यूनिट एक अमेरिकन कंज्यूम कर रहा है, भारत केवल 900 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, पहले हम पहुंच तो जाए वहां। ये आप ठीक कह रहे हैं, कोयले का हमें सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास कोयला बहुत गुड क्वांटिटी में अवेलेबल है। मेरा पॉइंट पिछले आपके प्रश्न में ये था कि हमें अपने हाइड्रो और गैस की तो बहुत कमी है, लेकिन हाइड्रो पोटेंशियल को और रिन्यूएबल पोटेंशियल को भी पूरे तौर से एक्सप्लॉयट करना चाहिए। तो हम इनमें से कोई भी पोटेंशियल्स को एक्सप्लॉयट इस वक्त नहीं कर रहे हैं, विच इज कॉजिंग अ बिग इम्पीचमेंट इम्पिंजमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो क्या श्रीवास्तव साहब बोल रहे हैं, देखिए बड़ा बहुत अहम बात बोली उन्होंने। इनका कहना है कि हमें सभी स्रोतों को डेवलप करना था, लेकिन हमने क्या किया, कोयले पे ज्यादा जोर दिया और जो गैर पारंपरिक ऊर्जा जिसको हम पारंपरिक बोल रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक तो मैं बार बार बोलना चाहता हूं, पारंपरिक ऊर्जा वो है जो परंपरागत रूप में आपको मिलती है, परंपरागत रूप में आपको हवा मिल रही है, सूर्य मिल रहा है, ये पारंपरिक है, कोयला पारंपरिक नहीं है, कोयला ही गैर पारंपरिक है। तो हम कोयले के ऊपर गैर पारंपरिक ऊर्जा के ऊपर लगे हुए थे, लेकिन कोयला तो हमको निकालना है, उसमें से भी ऊर्जा निकालनी है। लेकिन इनका जो मेन बात थी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में भारत में, चाहे वो कोयले के बीज उत्पादन बिजली उत्पादन की बात हो रही है या सोलर की बात हो रही है या फिर मेनली उन्होंने बोला हाइड्रो, हाइड्रो में तो हमने इतनी मार खाई है, बताइए मूर्ति साहब क्या हाइड्रो 16% की शेयर पे आ चुका है, ऐसा हम सुन रहे हैं। ये भयंकर परिस्थिति है, इसका मतलब देश ब्लैकआउट हो सकता है, क्योंकि जब ये 26% या 30% होता है तब पीक डिमांड को हम अपने देश को पीक डिमांड के टाइम पे हम बिजली दे सकते हैं। इस वक्त देश के पास गैस भी नहीं है, क्योंकि गैस किसी तरह से प्रोक्योर नहीं किया जा रहा है, देश के 20 गीगावाट के प्लांट बंद पड़े हैं गैस के, बताइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू गेट इनटू द हाइड्रो पावर जनरेशन डेवलपमेंट फास्टर नाउ। द बेसिक प्रॉब्लम इज हाइड्रो इज टोटली प्राइवेटाइज्ड। इफ यू सी द एलसीटी एक्ट, आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द हाइड्रो सेक्टर पावर प्लांट्स हैव गॉन इनटू द प्राइवेट सेक्टर and the 50,000 megawatt initiative which was started has not been fully fulfilled even today. This is one of the biggest setbacks in the hydropower generation which has happened for the system, which needs to be looked into the by the leaders of the power sector or the vision of the power sector, the vision of the people which people talk about it. The power ministry never bothered about this development of the hydro, which is the result of cutting down the hydropower sector to a 16% in the total capacity of the country's power generation available. What is required for this is, see, hydropower generation is basically two types. One is your dam based, another is the run of the river projects. The run of the river projects are the one which can come much faster, and even those projects have been held up because of the various reasons. And that is where a single point window system is required for the hydropower generation if you want to increase power generation from the hydro sector. But contrary to this, Shwasa sahab, ye jo bol rahe hain ki run of the river, ye run of the river to sari musibat kar gaya Uttarakhand mein, kyunki jo haphazard development hui wo sari run of the river projects mein hui, kyunki wahan storage to kuch hua nahi aur ulta log tehri ko attack karne lage, jabki जब बांध तेरी का था तो दिल्ली बच गया मेरे ख्याल से, ये तो उल्टा कहानी हो गया पूरा का पूरा। स्टोरेज और पंप स्टोरेज की आप क्या बात, आप क्या कहना चाहेंगे कि हम इस रास्ते से हटके अपनी केवल ऊर्जा सुरक्षा नहीं बट पानी की सुरक्षा को भी हम तहस नहस कर रहे हैं, पानी की क्या ये सच होगा कि नहीं होगा? दर्शकों ध्यान रखिए, ऊर्जा सुरक्षा नहीं, हाइड्रो ना बनाने से हम पानी की सुरक्षा का भी तहस नहस कर रहे हैं। पानी की सुरक्षा का हम तहस नहस कर रहे हैं, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तेहरी डैम अगर नहीं होता तो जो उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ वो मच वर्स हो जाता। बिल्कुल। इसके अलावा एक पॉइंट मैं और मूर्ति साहब के पॉइंट्स में ऐड करना चाहता हूँ कि इसका हाइड्रो के ना होने का ग्रिड पे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि ग्रिड की जो स्टेबिलिटी है और जो एक फास्ट एक बहुत ही रिट्रीवल सिस्टम है, दी वेरी टाइट फ्रीक्वेंसी बैंड विच हैज बीन स्पेसिफाइड, उसको मीट करने के लिए हाइड्रो या गैस इनमें से दो, एक एक वन ऑफ द टू इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। मतलब तो आप इस तरह से क्लियर रूप से बोल रहे हैं कि जो करंट ग्रिड कोड आया है
इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया गया है। रेगुलेटर की बहुत भारी गलती है कि वो देश को इतनी जल्दी ये टाइट ग्रिड कोड जो 49.9 हर्ट्ज है 250.05 हर्ट्ज है उस पर भेजा है उन्होंने। ये बहुत भारी गलती है। अगर सुने कि इससे देश का क्या नुकसान होने वाला है, हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इस पे ही बिजली का मतलब बोलते हैं उत्पादन और खपत मतलब कंजम्पशन दोनों होगा। ख्याल रखिएगा कि अगर देश में कोई भी यूटिलिटी अगर 49.7 हर्ट्ज मतलब 49.9 हर्ट्ज की जगह 49.7 हर्ट्ज पे बिजली खींचेगी तो 8 रुपए के ऊपर उसको भाव देना पड़ेगा, और अगर वो इसको और 2 पॉइंट नीचे मतलब 49.5 पे खींचेगी तो 16 रुपए की बिजली खरीदेगी। अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड या जो आपके वितरण कंपनियां हैं अगर ये इसको इस प्राइस पे खरीदेगी आपको मेरे को 25 रुपए 30 रुपए की बिजली मिलेगी। क्या ये सच है? काफी हद तक ये सही है, ये सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये एलाबरेट करना चाहता हूँ कि ग्रिड कोड रिक्वायर्ड है, आपको एक ग्रिड डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और ये भी आपने ठीक कहा कि आज हम उस स्थिति में नहीं हैं बिकॉज वी हैव नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इनफ ऑन हाइड्रो डेवलपमेंट। अगर आप पहले आज़ादी के बाद का टाइम देखें तो दी टारगेट वॉज समथिंग लाइक 40% ऑफ दी पावर विल कम फ्रॉम हाइड्रो, टूडे श्रंक डाउन टू 16% एंड द वे थिंग्स आर ग्रोइंग इट माइट इवन एंड अप विद लेस देन 10% सिंगल डिजिट्स। तो यहाँ बात ये हो रही है कि अगर हाइड्रो का शेयर जब आजादी के टाइम पे थे कि 40% हाइड्रो का शेयर होना चाहिए बाकी 60% थर्मल मतलब कोयला गैस और तेल से उत्पादन होगा, 40% हाइड्रो से, हाइड्रो सबसे बड़ा रिन्यूएबल है। ख्याल रखिएगा हाइड्रो पावर सोलर और विंड को छोड़ दीजिए, हाइड्रो पावर देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है, और इसको हमें इस प्रोग्राम में आपको बताना है कि सबसे बड़ा मतलब बोले पारंपरिक ऊर्जा गैर पारंपरिक नहीं सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा आपके हाइड्रो पावर है। मैं इसमें पूछना चाहूंगा हेतल भाई के साथ, आपके यहां गुजरात के अंदर ये सक्सेस हुआ कि नर्मदा एक बड़ी एक्सेलेंट प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर जनरेशन की भी बनी, ना कि नॉट ओनली मतलब पानी पुरोठा और पानी के स्कीम्स में भी नर्मदा ने बहुत दूर दूर तक दूर दराज की सिंचाई करी, और गुजरात राज्य का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 2-2.5% का ना होकर एक समय पे तो उफान पे 14% पे पहुंच गया, अभी मैं सुन रहा हूं कि 11% पे है। तो ये बात सच है क्या? बिल्कुल सही है। जैसे जैसे उन्होंने बात की अपने बात की हाइड्रो पावर के, तो गुजरात का भी आप समझो कि हाइड्रो पावर नर्मदा डैम कई सालों से उसका फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ था, अपने वहां कई सारे डैम ऐसे हाइड्रो के जो लगे हुए हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो कंप्लीट होने के लिए जो उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है काम करना पड़ता है, लकीली गुजरात का नर्मदा डैम प्रोजेक्ट एटलीस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है, अभी भी 20% बाकी है, ध्यान रखो। बिल्कुल, लेकिन सरदार सरोवर मेरे ख्याल से विश्व में ही सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में आ रहा है। सही है, इस बिल्कुल जैसे सही है। हमने इसको भी अवार्ड दिया हमारी जूरी ने, और इसके पहले हमने भारत भाखड़ा ब्यास की भी बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो हाइड्रो ये प्रोजेक्ट है देश की पूरी लाइफलाइन है, ये करीब मेरे ख्याल से नर्मदा 4 स्टेट्स को हेल्प कर रहा है, महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश, और इसी प्रकार से भाखड़ा ब्यास का देखेंगे तो भाखड़ा ब्यास में भी 4-5 स्टेट का इंपैक्ट है, तो और इसी तरह तेहरी का भी इंपैक्ट होगा। तो हम इन अच्छे प्रोजेक्ट को समझ के इसके एग्जाम्पल देखें, हम देश को समझा क्यों नहीं रहे इस बात को? नहीं, उसके लिए अंदर से कुछ आना चाहिए काम करने की इच्छा। अभी बहुत सारे जैसे आप बता ही रहे हैं बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन खत्म नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या दिक्कतें हैं? इसके पीछे कौन है, क्यों है? ये सब का सवाल, ये सब सवाल का जवाब हमें देना पड़े। अगर हम नहीं दे पाए तो आज कल उठ के पब्लिक देगी। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल आपको है कि ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट मैंने बताया, जो भाखड़ा प्रोजेक्ट है, नर्मदा प्रोजेक्ट है और तीसरा तेहरी, ये तीनों स्टोरेज प्रोजेक्ट भी है, ये पावर जनरेशन भी है, तो इसी से फायदा हुआ है। तो हम फिर वही बात पे आ जाऊंगा, हम ये रन ऑफ द रिवर के पीछे क्यों पड़े हैं? उनकी जरूरत है लेकिन उनकी कितनी जरूरत है? हम दबा दब रन ऑफ द रिवर बना रहे हैं, क्या ये ठीक है? देखो अगर मैं आपको अलग तरीके से बताऊं, पावर तो एक इश्यू है लेकिन पानी सबसे बड़ा इश्यू है हाइड्रो प्रोजेक्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, और इरिगेशन दूसरी चीज। बिल्कुल, अगर आप देखें फ्लड कंट्रोल सही है। तीन चार बातें हमने बोला हाइड्रो पावर में, तीन एक बेनिफिट नहीं है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसमें कई बेनिफिट मिलते हैं। मूर्ति साहब
in the hydro project, basically the reason why they have gone for run of the river projects is to get the projects quickly, but that has backfired. That's one of the reasons. And as far as the dam projects are required, the dam projects have been identified, but because of the construction period for these projects is quite high, these projects are taking quite a big time. For example, the project coming up in Arunachal Pradesh, this project is supposed to have been commissioned by this time, but it is still taking time to come up. Similarly, projects in the Sikkim, there are some of the dam projects are there which are taking long time. And for these projects, basically I am coming to the basic point of decision making. When you find hydro projects have geological surprises, when a geological surprise comes, you need a quick decision from the management, how to go about it, what is to be done. These are the issues which are holding up major projects of hydro in India. And in addition to that, of course, इसी मुद्दे पे हमें अभी थोड़ा समय का हमें कमी है. मैं चाहूंगा कि हम इसको जारी रखेंगे. एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके साथ हाजिर होता हूं मेरे तीन एमिनेंट गेस्ट के साथ बिल्कुल कुछ क्षण के बाद. एक छोटा अल्प विराम. इंफ्रा शो में आपका स्वागत है. इस पर्टिकुलर एपिसोड पे हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे थे पावर जनरेशन के बारे में और हम हाइड्रो पावर के बारे में स्पेसिफिक बातें कर रहे थे. मैं इसको जारी रख रहा हूं. और क्या हम रिवर नेटवर्किंग की बात कर रहे थे कई सालों पहले पार्लियामेंट में ये बात गूंजी थी. इनफैक्ट 5 डिकेड पहले मतलब 50 साल पहले इस देश में बात गूंजी थी हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़े मतलब बोलते हैं ना देश के सबसे बड़े डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर ये बात उभरी. और उसके बाद वाजपेयी जी की जब सरकार आई थी तब इसकी बात हुई थी कि भाई हम रिवर नेटवर्किंग को गोल्डन क्वाड्रिलेटर बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर के, लेकिन रिवर नेटवर्किंग को एक मेजर प्रोजेक्ट बना के लाना चाहते थे. लेकिन वो एक जब सरकार गिर गई उसके बाद जब UPI वन मैंने देखा कि कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं हुई. और इस 9-10 साल में ऐसा लगता है कि इसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता. तो श्रीवास्तव साहब ये किस तरह की चीज करी गई है हमें, क्योंकि रिवर नेटवर्किंग अगर होता कहीं बाढ़ आती है कहीं सूखा पड़ता है. इस देश में इतने बाढ़ से भी लोग मर रहे हैं, सूखे से लोग की जाने जा रही हैं और उनकी जीविका खत्म हो रही है. ऐसे समय पे हम इस मुद्दे को हमने बिल्कुल बैक बर्नर पर रख दिया, इसका क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही एक सीरियस मैटर है कि एज यू राइटली सेड कि यहाँ पर देर आर एरियाज जहाँ पे बाढ़ आ रही है, देर आर एरियाज जहाँ पे सूखा पड़ रहा है.
और इट इज इम्पैक्टिंग द लैक ऑफ रिवर नेटवर्किंग इज इम्पैक्टिंग आवर इरिगेशन, इट इज इम्पैक्टिंग फ्लड्स, इट्स ऑल्सो इम्पैक्टिंग द पावर सेक्टर. तो ये तो एक बहुत ही अहम इशू है और अनफॉर्चुनेटली एक स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से या स्टेट पब्लिक सेंट्रल सब्जेक्ट होने की वजह से इसको स्टेट लीडरशिप पे ही ज़्यादा छोड़ दिया गया है. अब जहाँ तक मैं जानता हूँ गुजरात में काफ़ी अच्छा इसमें काम हुआ है रिवर नेटवर्किंग में, और आप जैसा बता रहे थे आंध्र प्रदेश में, लेकिन आई थिंक रेस्ट ऑफ द कंट्री इट रिक्वायर्स अ वेरी फोकस्ड अटेंशन प्रॉबेबली and the sooner the better. It should start in 2014. मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो श्रीवास्तव साहब ने बात कही है, बहुत अहम बात कही है. देखिए इस देश के पास हमारे यहाँ पूरे विश्व के अंदर 18% लोग भारत वर्ष में रहते हैं. मतलब हमारे देश में की जो शेयर है पॉपुलेशन की, मतलब हमारी जो जनसंख्या है 18% विश्व की जनसंख्या इस देश भारत में रहती है, और उसके पास पानी के सूत्र केवल 4% हैं जो यूजेबल हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसी परिस्थिति में ये बातें हम कह रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने, और इन्होंने जिक्र किया गुजरात का. तो मैं हेतल भाई के पास आना चाहूंगा. हेतल मेहता जी, आप सूरत में रहते हैं, आपने गुजरात के अंदर, आप गुजरात की के साथ बहुत जुड़े हुए, आपने देखा है पिछले 2 decades में आपने गुजरात की डेवलपमेंट देखी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्पेशली ये एक लास्ट डिकेड में पिछले 10 सालों में गुजरात ने रिवर नेटवर्किंग का प्लान किया, इससे साबरमती रिवर में पानी नहीं था वो आ गया, ये हमने देखा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, गुजरात ने क्या अलग किया इसमें? नहीं, बिल्कुल उसमें अच्छी तरह से काम किया गया है. नॉट ओनली साबरमती, मही नदी, महिसागर नदी, दिस ऑल नर्मदा का जो पानी था वो डाइवर्ट करके थ्रू कैनाल ये रिवर में गए, रिवर बेल्ट में डाला गया, और कैनाल को तो हम कम से कम कच्छ तक पूरा लेके गए हैं, और बिल्कुल तो बिल्कुल पानी नहीं था वहां तक पूरा कैनाल नेटवर्क गया है. हाँ. अभी उसमें और बहुत कुछ काम बाकी है, लेकिन जितना भी हुआ इसी की वजह से गुजरात का आप देखें तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ आपको दिखने को मिला. बिल्कुल, हम दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि हमने यही बात कही थी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो गुजरात का है, जो 2.5-3% जो नेशनल एवरेज 2.5-3% पर गुजरात एक दफा सन 2010-11 के अंदर 14% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पे पहुंचा था, और अभी भी उसकी 10-11% एग्रीकल्चर ग्रोथ रहा, और वो आज हमारे एक बोलते हैं ना आप एग्रीकल्चरली एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा है, और इसका कारण है नर्मदा के थ्रू और बाकी रिवर नेटवर्किंग थ्रू पानी पहुंचाना किसान को पानी पहुंचा. मैं ये बात के ऊपर आना चाहता हूं कि ये कैसे, मतलब ये जो चीज है ये अचानक ये ट्रांसफॉर्मेशन 10 साल में इसी वो यही बेसिक अच्छी तरह से उसको प्लान करके अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना, दो चीज है. प्लानिंग हम कई बार करते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं देश में, तो अच्छी तरह प्लान करो, इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह करो, गुड गवर्नेंस इज द मेन पैरामीटर. एक चीज पूछना चाहूंगा हेदर भाई, जरा कंट्रोवर्शियल लगेगा, लीडरशिप की क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, लीडरशिप देखो, लीडरशिप तो मेन चीज है ही है. अगर लीडर सही है तो काम अपने आप सही होगा, अगर लीडर सही नहीं है तो काम अपने आप देश का लीडर देख ही रहे हैं आप, देश की हालत देख ही रहे हैं आज. तो बड़ा क्लियर बात कह रहे हैं हेतल भाई कि लीडरशिप चाहिए, गुजरात में लीडरशिप मिली इसीलिए ये काम हुए, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में काम करने के लिए जरूर विजन चाहिए, और विजन ऊपर से भी आना चाहिए. ऊपर से नहीं आएगा तो ये विजन नहीं होगा, देश आगे बढ़ नहीं पाएगा, ये कह रहे हैं. मैं मूर्ति साहब को पूछना चाहूंगा इसी मामले में, मूर्ति साहब What is happening to this country? Are we not taking decisions in a very critical areas like hydropower? Our backbone infrastructure is broken today. We are now going to affect the water sector because of our complete apathy to hydropower. Absolutely, the vision is lacking for the water sector and the hydropower totally today. The earlier vision, whatever is planned, has gone to down the drain, and nothing has happened on that. And the river linking and the dams related projects are very important. As we talked about it, dams are multi-purpose projects, and this is what is required. If you see, even in down south, Sri Sriram Nagarjuna Sagar projects are dam projects. They have been built for that, and from those projects, whole of those area got irrigated upon. Today, the agriculture sector is booming in Andhra Pradesh because of these projects which have been built long time back. So this particular concept, like Bakra management, which is available in northern region, but the idea of these type of projects which have to come up, build up, that has vision has not been totally propelled throughout the country, and it has not grown, and that lack of vision is putting us into the problem of today
either in the water resources availability and as well as power. If you have one vision for the water resources, linking it, and a vision for the dam-based project, that is a must for the country to control the floods as well as utilize and save the water which is going to the various regions of the sea. That can be controlled. That part of it is very controlled. And for that is a vision. It's vision of not only power, it's not only water separately. It has to be combined vision for the water resources of the country. That's what is needed today. अभी मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है हमारे यहाँ अरुणाचल के अंदर नोन जो रिसोर्सेज है, हमने एक प्रधानमंत्री का वाजपेयी जी के टाइम पे 50,000 मेगावाट का प्लान आया था हाइड्रो पावर का, वो उसको तो शेल कर दिया, और अरुणाचल के अंदर ही तकरीबन 70-80 गीगावाट तो नोन पोटेंशियल है। और अगर देखा जाए तो जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं और हमारे पावर सेक्टर के लोग हैं जो जानकार हैं, इंक्लूडिंग हम लोगों की जो रिसर्च है, वो कह रही है कि 1.5 लाख मेगावाट पड़ा हुआ है इतने छोटे स्टेट में, हम उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम पहुंच गए भूटान में, भूटान के साथ गलत नहीं है, करें हम वो संधि करें, भूटान से खरीदें, लेकिन 1-7 लाख की पॉपुलेशन है वहां, खपत नहीं हो सकती है, और हमारे पास उसमें से एक्सपोर्ट करने की पोटेंशियल, हमने 10 गीगावाट का प्लान बनाया, बाकायदा बनाई 10 गीगावाट, नेपाल से 20 गीगावाट बनाई, पर आप इनको करते करते अपने राज्यों का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं, इसका आप क्या कहेंगे राजीव जी? हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज्यादा ही उसके साथ तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी है, इट इज डेफिनेटली सो, देयर इज नो डाउट कि नॉर्थ ईस्ट का जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट इस कंट्री के एंटायर पावर शॉर्टेज को इरेडिकेट कर सकता है। बिल्कुल 150 मेगावाट, 150 गीगावाट की बात कर रहा हूँ, 150 गीगावाट, कम से कम 50-60 गीगावाट सिक्किम में पड़ा होगा, बिल्कुल, बाकी नॉर्थ ईस्ट को ऐड करिए तो मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा 200 गीगावाट का हाइड्रो, 200 गीगावाट का पोटेंशियल है उस एरिया में। हमें तो इसके लिए कितनी आगे जाना हो, कितनी डेवलपमेंट करनी हो, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर देने हो, ये सारा अपना पैसा और अपनी शक्ति को झोंक देना दिए इन लोगों को अपने साथ लेने के लिए। चीन के साथ हमें लड़ाई करना है तो हमें इन स्टेटों को अपना अहम हिस्सा बनाना है, बिल्कुल, ना कि इस तरह की परिस्थिति करना कि वो अरुणाचल से आए हैं, दिल्ली में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, इनकी बातें होनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? इतना बड़ा सूत्र पड़ा हुआ, हम कुछ नहीं कर रहे। ये जो दोनों लोगों ने कहा कि मूर्ति साहब ने कहा कि विजन की बात है और हेतल भाई ने कहा कि इट इज अबाउट लीडरशिप, दिस इज एग्जैक्टली दी इशू टू रियलाइज द पोटेंशियल एंड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस नेशन। Where do we want to go to bridge that energy gap? What is our capability? And if we have a capability of 200 gigawatt in just one region, it's only about transmission after that. Yeah, because it's within the country. It is within now the country. We are fighting out in the Bhutan case. Yeah. We know to bring it up, we have a chicken egg area. Right. वहां से उसको पावर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देश में बहुत भारी मुश्किलें आ रही है, और हम देख रहे हैं कि असम से हमें कुछ खुली हुई खुले रास्ते मिलेंगे, ये सब करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, जबकि खाली 10 गीगावाट को निकालने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि अपने देश के हम कई गीगावाट्स को निकालना नहीं चाह रहे हैं। हेतल भाई, आप क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, बिल्कुल सही है, हमें बेसिकली 200 गीगावाट जो आप बोल रहे हैं, अगर वो पोटेंशियलिटी है तो आज अपने देश की टोटल कैपेसिटी 235-240 गीगावाट हम आज प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बता रहे हैं 10 साल में आप ये हाइड्रो पावर डेवलप करें, आपको बाकी अपने आप अपना देश डेवलप हो सकता है। बिल्कुल, आपको गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पोटेंशियल हमारे पास है उसके ऊपर फोकस करके काम करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए स्टेबल सही दिमाग से सोचने वाली गवर्नमेंट हमें चाहिए, ये पहली बात। अब एक सिंपल सी बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि विश्व का सबसे बढ़िया मल्टीपर्पज और मल्टी कंट्री कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है इताइपू, ये ब्राजील की अमेजॉन वैली के अंदर है, 12,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और इसमें 4 देश मिलके इसको कर रहे हैं, और उन देशों की म्युनिसिपैलिटी मिलके कर रही है। तो आप समझिए कि जब 4 देश मिलके, उनकी म्युनिसिपैलिटी मिलके अपने ही जनता के लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो क्या ये देश, हमारा जो एक देश है, क्या वो अपने स्टेट्स के साथ मिलके नहीं कर पा रहा है? ये विडंबना है, और मैं चाहूँगा कि इसके साथ हम आगे भी अपने इस पर डिस्कशन करेंगे, हम एक पूरे हाइड्रो पावर सेक्टर के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। मैं श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री पी वेसन मूर्ति एवं श्री हेतल मेहता को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस पर्टिकुलर एपिसोड को बहुत बढ़िया बनाया, और दर्शकों, हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक और मुद्दा लेके एनफ्रा शो में अगले एपिसोड में। प्रोफेसर आयर हियर, मैं आपको सलाम, शब खैर और खुदा हाफिज बोलना चाहूँगा। बाय बाय।